अगर बारात में जाने वाले लोग जो शेरवानी पहनकर सुरमादानी खाली करके दूल्हे की गाड़ी पे जाके बैठते हैं, इनके पास जो बाराती के लिए कार्ड आया है उसमें लड़के का नाम लड़के के। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आज जब मुसलमानों से कहा जाता है कि निकाह सुन्नत के मुताबिक करो, बाराती खुराफाती लानती जिनका शरीयत में कोई हक और किसी तरह का हिस्सा नहीं, अपनी निकाह की मजलिस को बारात की खुराफात से पाक करने की कोशिश करो, तो आज का बूढ़ा मुसलमान ये कहता है मौलाना समाज हमारे बारे में क्या ख्याल करेगा, समाज हमारे बारे में क्या राय कायम करेगा, अगर हम बारात लेकर न गए तो लोग हमें लानतान करेंगे। अल्लाह के नबी अबू दर्र गिफारी से कहते अल्लाह रसूल का हुक्म बजा लाने में मलामत करने वाले ताना देने वालों की परवाह न कर, अगर लोग ताना दे रहे हैं तो इस ताने को बर्दाश्त करो कि हुक्मे खुदा तरीके मुस्तफा छूटने न पाए, मगर आज हमारी नजर में नबी की सुन्नत की वो कदर अजमत नहीं है, इसलिए अपने निकाह की मजलिस में रुसूम और रिवाज बिदात और खुराफात को शामिल करने से हम भगने के लिए तैयार हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ ध्यान से, अगर बारात में जाने वाले लोग जो शेरवानी पहनकर सुरमादानी खाली करके दूल्हे की गाड़ी पे जाके बैठते हैं, इनके पास जो बाराती के लिए कार्ड आया है उसमें लड़के का नाम लड़के के बाप का नाम उसका मोबाइल नंबर घर का पता, लड़के की तरफ से गाड़ी सवारी मौजूद है, आप जाकर बैठ गए, आप इतने नंगे और भूखे तरस के काबिल हैं कि आपको अपनी गाड़ी में बिठाया और ले जाकर के लड़की के बाप के दरवाजे पर उतार दिया, आप इतने बेगैरत बेजमीर कि लड़की के बाप के दस्तरखान पर बगैर उसकी दावत और बुलावे के हाथ धोकर बैठ जाते हो, लड़की के बाप ने गाड़ी भेजी, लड़की के बाप ने कार्ड भेजा, न गाड़ी लड़की के बाप का न कार्ड लड़की की बाप की तरफ से, ये कार्ड भेजा लड़के ने, लड़के के बाप ने गाड़ी का इंतजाम लड़के के बाप ने किया और आप हाथ धोकर लड़की के बाप के दस्तरखान पर बैठे हो, जिसने आपको बुलाया नहीं, जिसने आपके लिए सवारी नहीं भेजी, एक खुराक खाने के लिए अपनी इज्जत और जमीन का सौदा कर बैठते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आया अबू दर अल्लाह रसूल का हुक्म बजा लाने में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना, जब अल्लाह के नबी के तरीके की अजमत दिल के अंदर पैदा होगी तो रस्मी रिवाजी चीजों को अपने पैरों तले दबोचना रोकना हमारे लिए आसान हो सकता। मैं बतौर तहदीस नियामत ये बात कहता हूँ, आज तक मैंने किसी बारात में शिरकत नहीं किया, मेरी तरफ से शर्त रहे मैं ऐसे निकाह में शिरकत नहीं करूंगा जिसमें हमको बाराती की हैसियत से मजबूर किया जाए। हमारी जिंदगी गुजर सकती है तो आपकी जिंदगी क्यों नहीं गुजर सकती, मुसलमानों को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं पिलाती, जब तक गलत तरीका छोड़ोगे नहीं तुम अल्लाह के नबी के दुलारे नहीं बन सकते। अबू दर्र गिफारी कहते हैं सिद्दीक या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताई, तो अल्लाह के नबी ने अबू दर्र गिफारी को छठी नसीहत फरमाई, आपने फरमाया कि हक बात कहो वलौ कान मुर्रा कुलिल हक वलौ कान मुर्रा, ऐ अबू दर्र हक बात कहो अगर से सुनने वालों को गरम मालूम, सच बात कहो अगर से सुनने वालों को ना खुशगवार मालूम,
चेहरा देखकर मसला न बताया था, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए शरई मसला न छुपाया करो, हर बार डंके की चोट पर करो, पर मलाल ऐलान करो। मगर सुनो ध्यान से, नौजवान वर्मा खास तौर पर सुने, हक बात कहने के लिए कहने का करीना सलीका तरीका हो, बात कहने का करीना सलीका तरीका होना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं, इतना बड़ा मजमा, एक हक बात की मैं मिसाल देता हूं, इस मजमे में से किसी लाल में हिम्मत नहीं है कि वो सच्ची बात अपनी जुबान से कह दे। मसलन हर आदमी अपनी बीवी को बीवी, बेगम मैडम, जौजा जोरू बोलता, हर आदमी अपनी बीवी को बीवी, बेगम मैडम, जौजा, शरीक हयात वगैरह वगैरह बोलता, ये सच्ची बात। रोजाना सुबह बाप अपने बेटों के सामने अपनी बेगम को कभी बेगम कहते इधर आओ, मैडम इधर आओ, शरीक हयात जरा सुनते जाओ, बाप बोला करता, लड़के सुनते रहते। एक दिन बाप सफर में चला गया, बड़े बेटे ने अपनी माँ को अम्मा न कह करके कहा, अब्बा की मैडम इधर आ, अब्बा की बेगम इधर आ। बात तो सच्ची है, गलत नहीं, ये अब्बा की मैडम भी है, बेगम भी है, शरीक हयात। मगर जैसे ही बेटे ने कहा अब्बा की मैडम इधर आ, अगर गैरतमंद किस्म की माँ होगी तो चिमटा लेकर के दौड़ाएगा, वो कहेगी कम्बा ये बात बोलने का तेरे बाप को, तेरा बाप ये बात कहने का मजाक, तुझे ये बात कहने का पावर हासिल नहीं। बाप अगर से सच्ची है, बरहक है, मगर हर बात को हर आदमी को नहीं बोलना चाहिए, सच सच कहने के लिए करीना तरीका सलीका हुनर होना चाहिए। अगर करीने से सच बात बोलेगा तो सख्त से सख्त बात को लोग कबूल करेंगे, और अगर बेहंगम बेढंगे तरीके पर सच बात को बोलेगा तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, आप गर्मी का जमाना, अरहर के खेत से अरहर काट ली गई, अरहर के खेत में तीतर बटेर आमतौर पर छुपे रहते हैं, शिकारी तीतर बटेर के शिकार करने के लिए सिर्फ जाल जमीन पर नहीं डालता, बल्कि जाल बिछाने के बाद जाल के अंदर दाना डालता है, फिर झाड़ी में छुप करके शिकार की बोली बोलता, तीतर की बोली, बटेर की बोली बोलता। अब झाड़ में छुपे हुए तीतर बटेर समझते हैं बिरादरी की तरफ से आज दावत आम का इंतजाम, वो झाड़ से निकल कर जाल के दाने को चुनने के लिए वो तीतर की आवाज सुनकर आते हैं। शिकारी जाल के तार को खींचता है, जो बाहर से सब अंदर आ रहा। सोचने की बात है, एक तीतर को फंसाने के लिए शिकारी को इतने जतन करने पड़ते हैं, तब तीतर जाल के अंदर आता है। इसी तरह हक बात को समझाने के लिए, बोलने और बताने के लिए हमारे अंदर करीना सलीका तरीका होना चाहिए। अगर तरीके से सच बात बोलोगे तो सख्त से सख्त बात को मुस्लिम समाज कबूल करेगा, और अगर कहने का तरीका सलीका नहीं है तो आपकी बात से फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने अबू दर्द गफारी को नसीहत करते हुए फरमाया, अबू जर सच बात बोलो, वलौ काना मुर्रा, अगर के सुनने वालों को ना खुशगवार मालूम हो, डरा मालूम हो, मगर बात सच्ची है तो डंडे की चोट पर कहो। फरमाए रब्बानी हकानी ने हर दौर में सच्ची बात को दिन दहाड़े उजाले की तरह रात की तारीकी में पेश किया है, इसलिए कि उनको पेश करने का तरीका सलीका मालूम है। अबू दर्र गफारी कहते हैं, सिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताएं,
अल्लाह के नबी एक बात और बताई, अल्लाह के नबी ने अबू दर्र गिफारी को सातवीं नसीहत फरमाई। सातवीं नसीहत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लियुजिदका अन्नास मा तअलमु मिन नफ्सी। ये अजीब गरीब नसीहत, हर जवान बूढ़े को, हर साहब औलाद बे औलाद ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए। क्या फरमाया, लियुजिदका अन्नास मा तअलमु मिन नफ्सी। ऐ अबू दर्र, मा तअलमु मिन नफ्सी, अपने बारे में तुम्हें जो मालूम है, अपने बारे में तुम्हें जो मालूम है, उसके इदाला इमाला की कोशिश करना। लियुजिदका अन्नास, ताकि लोगों की बुराई से अपने आप को अलग रख। आज मामला उल्टा, हम लोगों की खामियां तलाश करते हैं, लोगों की खामियां मालूम करते हैं, हमें अपने बारे में फिक्र नहीं है, हमें अपनी मौत याद नहीं आ रहा, हमें अपनी कब्र याद नहीं आ रहा, हमें मौत का फरिश्ता याद नहीं आ रहा, हमें अल्लाह का दरबार याद नहीं आ रहा, हमें मैदान महशर से होश नाकी याद नहीं आ रही। नबी कहते माता लमुन नफ्सी, ऐ अबू दर्र, अपने बारे में जो मालूम है उसको दूर करने की कोशिश करो। हम में से हर आदमी जानता है कि हमने नमाजें कितनी छोड़ी, हम में से हर आदमी जानता है हमारे रोजे कितने छूटे, हम में से हर आदमी जानता है हमने किस किस का पैसा दबा रखा। तहज्जुद पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, मगर दूसरे का कर्जा लिया आज तक वापस नहीं किया। ये बुराई जो हमारे अंदर है, इसको हम जानते हैं। अल्लाह के नबी अबू दर्र गिफारी को इस्लाह नफ्स का तरीका बताते हैं कि अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हर मुसलमान अपनी कमी पर निगाह। आज हमने तरीका क्या इस्तेमाल किया कि हम दुनिया की फिक्र में मोमबत्ती की तरह घूमते जा रहे हैं, लोगों की फिक्र में बताशे की तरह घूमते जा रहा, बर्फ की तरह पिघलते जा रहा, अपने बारे में क्या क्या बीमारी, क्या क्या गुनाह, क्या क्या बुराई हमारी जिंदगी में पाई जाती है, हम अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करते। दूसरी बात, हम बाहर जाकर दूसरों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, अपने बीवी बच्चों में सुधार पैदा करने की कोशिश नहीं करते। जबकि कुरान इस्लाह का ये तरीका बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मालूम हुआ इस्लाह का तरीका ये है कि हर आदमी सबसे पहले अपनी कमी दूर करने की कोशिश करे, फिर अपने बीवी बच्चों की कमी दूर करने की कोशिश करे। अगर आप इस तौर पर इस्लाह करेंगे तो आपका समाज इस्लामी दीनी मुआशरा बनकर तैयार हो। और अगर दूसरों की सिर्फ फिक्र करते रहे, अपने बारे में हमने फिक्र नहीं किया, तो जब तक हमारी इस्लाह नहीं होगी, हम अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करेंगे, हम इस्लाह के मैदान में कामयाब नहीं।